हाय एवरीवन, दिस इज पवन शर्मा। इस वीडियो में हम निफ्टी को एनालाइज करेंगे कमिंग वीक के लिए। नेक्स्ट वीक में हमारे पास सिर्फ चार ट्रेडिंग सेशन रहेंगे, मार्केट बंद रहेगा फ्राइडे को। तो जब भी आपको किसी स्टॉक या किसी इंडेक्स को एनालाइज करना हो और वहां पर आपका आउटलुक 8 या 10 दिन का है, एक हफ्ते से लेकर 10 दिन का अगर आपका आउटलुक है, तो आप कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम। आपको कोई पैटर्न एनालाइज करना है, आप 30 मिनट पे यूज़ कर सकते हैं। आपको ब्रेकआउट फाइंड करना है, वो भी आप आराम से 30 मिनट पे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपका आउटलुक 1 महीने का या उससे ज़्यादा का है, तब आपको यूज़ करना चाहिए 1 डे टाइम फ्रेम। उससे क्या होता है कि जब आपका छोटा टाइम फ्रेम होता है तो हमें छोटी मूव के लिए ही मार्केट एनालाइज करने को मिलता है। जब आपका बड़ा टाइम फ्रेम होता है तो सेम गोज़ विद द अदर पार्ट, वहाँ पर हमारे पास आउटलुक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो जो हम टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे 30 मिनट का करेंगे, जो भी हमें एनालिसिस करनी है इसी के बेसिस पे करनी है। लास्ट वीक जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट थोड़ा सा राइज करेगा, ट्रंप के इलेक्शन जीतने की वजह से मार्केट ने राइज किया भी, अगर आप यहाँ से देखेंगे यहाँ तक तो काफ़ी बड़ी मूवमेंट हमें देखी भी। 816 से लेकर, यहाँ से लेकर लो से बात करें तो लो से हमारे पास में लगभग 700 पॉइंट के आसपास का राइज देखने को मिला, 700 पॉइंट का राइज था। अब ये उम्मीद कर रहे थे कि चलो ये अच्छी बात है कि ट्रंप इलेक्शन जीते उसके, लेकिन नेक्स्ट डे ही प्रॉफिट बुकिंग आ गई। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद में वापस से सपोर्ट लिया निफ्टी ने 24,100 के आसपास। अब इसके बेसिस पे हमारा अगला वीक कैसा रहेगा, क्या ये मार्केट फॉल करेगी या मार्केट राइज करेगी, उसके लिए कुछ पहले टेक्निकल पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं चूज़ करता हूँ एक हार्मोनिक पैटर्न, आपने सुना होगा। तो हार्मोनिक पैटर्न में मैं साइफर पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा क्या होता है कि जब साइफर पैटर्न को आप प्लॉट करते हैं तो आपको मार्केट के जो करंट मूवमेंट है, करंट हाई लोज हैं, उनकी रिट्रेसमेंट आपको पता चल जाती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर प्लॉट किया, फिर जो रीसेंट हाई था मैंने उसको वहाँ पर क्लिक किया, फिर जो रीसेंट लो था मैंने उसको वहाँ पर क्लिक किया, एंड ये देखिएगा वापस से उसने जो हाई बनाया, दिस इज़ कमिंग अराउंड दिस पॉइंट, और वापस से हमारे पास में जो लो बनाया, क्लोजिंग कह ले तो क्लोजिंग हमारे पास में ये था। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा आप यहाँ पर भी इसको क्लिक कर सकते हैं, इफ इन केस यू वांट, कोई खास डिफरेंस आपको मिलेगा नहीं, कहीं भी कर लीजिएगा। तो ये जो साइफर पैटर्न है ये हमें क्या बताता है, पहले ये समझिएगा। साइफर पैटर्न ये बता रहा है कि जब मार्केट ने इस पॉइंट से राइज किया था तो एक हाई बनाया था, हाई के बाद में एक फॉल आया, तो ये जो रिट्रेसमेंट था ये था 1.16। आपको याद होगा कि हम हर बार एक बात बोलते हैं, जब भी हम रिट्रेसमेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 61.8 जो हमारा रिट्रेसमेंट लेवल है वो सबसे बढ़िया रिट्रेसमेंट लेवल रहता है बाउंस बैक करने के लिए, या फिर उस लेवल तक मार्केट अपने आप को वहाँ से रिवर्स कर सकती है, और वहाँ पर आपको कई बार सडन बाइंग देखने को मिलेगी। अगर वो राइजिंग साइड पे है तो सडन आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। देखिए वहीं से उसने मार्केट में वहीं से बाउंस बैक मिला, उसके बाद में बी से लेके सी का हाई बना, बी से लेके सी के हाई पे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1.27 के आसपास, तो 1.13 है तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1.27 तक मार्केट राइज कर सकती है, वहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुकिंग आता है। इन केस ये इसको होल्ड करता है तो ये फर्दर राइज करेगा, और अगर नहीं होल्ड कर पाया तो प्रॉफिट बुकिंग आपको मिलेगी जैसे आपको यहाँ मिली है। उसके बाद में फाइनली अगर आप देखें जो क्लोजिंग हमारे पास में है वो क्या है, 60.08, तो क्या हो गया, 61.8। तो जो करंट रिट्रेसमेंट हमें मिला है वो मिला है 61.8 का। तो मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से, मार्केट के पास पूरे चांस है बाउंस बैक करने के। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है, तो पहला पॉइंट ये रहेगा कि मार्केट के पास में यहाँ पर बाउंस बैक करने के पूरे चांस है, इट कैन राइज फर्दर। तो क्या मार्केट फॉल नहीं करेगी, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन कमिंग वीक में हमारे पास में अभी ऐसा कोई डेटा पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है जहाँ पर मैं ये कह सकूँ कि आपका मार्केट फॉल करेगा। अभी मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ वो भी समझेगा, पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मैं किसी भी ट्रेंड को, अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो, कोई भी ट्रेंड हो आपका, तो आप क्या करेंगे, आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए मूविंग एवरेज प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर मूविंग एवरेज लिख देता हूँ तो मूविंग एवरेज आपको ट्रेंड बताता है, लेकिन मुझे अगर ये पता करना हो कि ये जो मूविंग एवरेज है मेरा, इस मूविंग एवरेज का स्ट्रेंथ कितना है, तो वो कैसे पता चलेगा, वो मुझे पता चलता है ADX से। तो यहाँ पर मैं प्लॉट करूँगा ADX। अगर ADX की बात करेंगे तो ADX पर देखिएगा, आई थिंक ये हमारे पास में जाएगा ADX को, मैं इसको ADX NDI कर देता हूँ यहाँ पर क्लिक। अब ADX हमें क्या बताता है ये समझिएगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये 0 है, ये 40 है, यहाँ पर कुछ डॉटेड लाइन भी आपको नज़र आ रही हैं। तो ADX हमें ये बताता है कि 0 से लेकर 20 के बीच में अगर ADX की वैल्यू है, ये जो ब्लैक लाइन है ये ADX लाइन होती है, अगर ये 0 से लेकर 20 के बीच में होती तो यहाँ पर कहते हैं नो ट्रेंड, मतलब कोई भी ट्रेंड एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, मार्केट रेंज बाउंड रहेगी।
उसके बाद में 20 से लेके 40 तक है, इसलिए यहाँ पे 40 है, 40 से लेके 60 है, 60 से लेके 80 है, और फिर 80 प्लस है, 100 तक जाता है ये। तो हम ये कहते हैं कि 20 से लेके 40 तक एक वीक ट्रेंड होता है, वीक ट्रेंड। आप ये मत कहिएगा कि वीक ट्रेंड का मतलब होता है कि मूवमेंट नहीं, मूवमेंट थोड़ी बहुत रहेगी लेकिन कोई एस्टेब्लिश ट्रेंड नहीं हो पाएगा। 40 के ऊपर जब ADX जाता है तो हम ये कह सकते हैं जो भी करंट ट्रेंड है वो अब एस्टेब्लिश होता जा रहा है। वो हमें कैसे पता चलता है, या तो मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा तो हम मानेंगे कि वो बुलिश ट्रेंड है, या फिर नीचे रहेगा, या फिर जो आप यहाँ दो लाइन देख रहे हैं, ये हमारे पास रेड लाइन है, ये हमारे नेगेटिव ट्रेंड को बताता है, और ये ग्रीन लाइन है ये हमारे पास में बताती है, ये मेरे पीछे चला गया, हाँ सॉरी यहाँ पर ये है। तो ये जो दो लाइन है ये मेरे पास में, ये जो ग्रीन और ये हमारा जो रेड और ये ब्लैक, तो ब्लैक लाइन ADX लाइन ये हमें पता चलता है। अगर ब्लैक लाइन हमारा जो ये मार्केट है, ये जो ग्रीन लाइन है, ये अगर 20 के नीचे आ गया है और रेड और ब्लैक 20 को क्रॉस कर रही हैं, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास बियरिश सेंटीमेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बुलिश। तो इस टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि बियरिश सेंटीमेंट हमारे पास ज़्यादा है, बिकॉज अगर आप देखेंगे ब्लैक वाला और जो रेड है वो 20 को ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहे हैं और जो हमारा ग्रीन है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ से देख के ये पता चल सकता है कि आप आराम से कह सकते हैं कि मार्केट में थोड़ा सा अभी भी वीकनेस है, सेंटीमेंट नेगेटिव है, और ये जो सेंटीमेंट नेगेटिव है ये आराम से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं 24,000, ये मुझे पता चल रहा है OI डेटा से। जब हम ऑप्शन चेन चेक करेंगे तो ऑप्शन चेन पे आपको 24,000 आपको नजर आएगा, और ऊपर की तरफ हमारे पास में यही लेवल है जिसको आप फोकस कर सकते हैं, ये नजर आएगा आपके पास 24,600 का। तो फिलहाल अब मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर रहा हूँ सो दैट वी कैन हैव सम राइटिंग स्पेस। तो इसको आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर इसको देखिएगा, अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है, मैं इसको भी रिमूव कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा थोड़ा सा पॉज करके पीछे। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यार पहला काम अभी जाके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा। तो जो भी हम वीडियो क्रिएट करने में मेहनत करते हैं उसको सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट करेंगे, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तभी आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए वापस आते हैं, तो फिलहाल जो अभी नजर आ रहा है एज ऑफ नाउ जो कमिंग वीक, तो वीक हमारे पास रहेगा 11 से लेके 14 का वीक रहेगा, तो हमारे पास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। तो यहां पर हमारे पास जो रेंज बनती नजर आ रही है वो है 24,000 और हमारे पास में 24,600 का रेंज। अभी मुझे इस करंट जो ADX है, ADX की वजह से मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि कोई ब्रेकआउट आने वाला है, क्योंकि ADX को ब्रेकआउट देने के लिए किसी एक पर्टिकुलर जो हमारा वो 20 था ना, उसके 20 के आसपास नहीं होता, वो ADX 40 या 60 के ऊपर क्रॉस चल रहा होता तब आराम से हम बोल सकते थे कि ये ब्रेकआउट आने वाला है। तो इस टाइम पे कोई ब्रेकआउट की उम्मीद तो डेफिनेटली मत करना। इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, इस टाइम पे दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन आप क्या कीजिएगा, एक स्ट्रेटजी बनाइएगा, स्ट्रेटजी जिसमें आपका जो रेंज रहेगी वो 24,000 का लोअर रेंज रहेगा, 24,600 का अपर रेंज रहेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल्स सॉरी ये आपका कॉल सेल, ये भी कॉल सेल, यहाँ पर 24,750 का कॉल बाय, इधर भी आप चाहें तो 23,850 का कॉल बाय, ठीक है। आप दो कॉल सेल करेंगे, आप अगर इसमें चाहते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, आप ये वाला स्ट्रेटजी सारा का सारा कॉल के साथ भी बना सकते हैं, सारा का सारा पुट के साथ भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो कॉल और पुट के कॉम्बिनेशन से ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पुट सेल करेंगे और पुट बाय करेंगे ऑलमोस्ट सेम रहेगा, 50-60 पॉइंट का डिफरेंस आपको मिलेगा टोटल प्रॉफिट लॉस के अंदर। तो दोनों में से जो आपको ठीक लगेगा आप उसको कर लीजिएगा। तो एक ये स्ट्रेटजी है हमारे पास जो हमारे लिए काम करेगा। दूसरा स्ट्रेटजी क्या है हमारे पास में, जो ये रेंज हमें मिल रही है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। इस रेंज पर हम क्या करेंगे, ये रेंज हमारे लिए काम करेगा टू गिव अस बाय ऑन डिप। 24,000 के आसपास आते ही आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपको कॉल बाय करना है, तो कॉल बाय आप करेंगे 24,000 का, मतलब ऐसा नहीं कि आने के पास में, वहाँ टच करें उसके आसपास में फिर राइज करें, तब आप 24,000 का कॉल बाय करेंगे, और आप क्या करेंगे 24,300 का कॉल सेल कीजिएगा, ठीक है। और जब ये इसके लेवल के आसपास चला जाता है तो इससे क्या होगा, आपका बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी बनेगी, और जब इस लेवल के ऊपर जाएगा तो आप क्या करेंगे 24,600 का पुट बाय करेंगे और 24,300 का पुट सेल करेंगे। ये हमारा आउटलुक है। तो आने वाले वीक में हमें सिर्फ एक रेंज नज़र आ रही है, ब्रेकआउट एज ऑफ नाउ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, तो ब्रेकआउट का उम्मीद मत करना। मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगी क्योंकि रेंज बन गई है और थोड़ा सा टिप टैप आपको देखने में मिलेगा, कोई क्लियर इंडिकेशन मार्केट नहीं दे रहा है। तो हमारा आउटलुक क्या रहेगा, या तो स्ट्रेटजी, या फिर अब लास्ट वीक हम बात भी कर रहे थे कि अभी हमारे पास में 24,600-24,700 की बात जाएगी, तो ये आपके पास 24,600 आने वाले वीक में हो सकता है टच भी करे, और अभी हमारे पास में जो सपोर्ट है वो 24,000 का है।
तो ये हमारा आउटलुक रहेगा कमिंग वीक के लिए। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा, अभी ट्रंप के इलेक्शन जीतने की वजह से आईटी इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्ट मिलने वाला है। बिकॉज क्या होगा, जितने भी हमारे आईटी मेजर्स हैं जो यूएस में हैं उनके पास में काफ़ी काम आएगा, तो उसका इम्पैक्ट हमारी इंडस्ट्री पे भी काफ़ी पड़ता है। आप जानते हैं टेस्ला को काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलने वाला है, बिकॉज ही वॉज द मेन लीडिंग कैंपेनर फॉर ट्रंप ऑल्सो। तो ये सेक्टर के ऊपर आप डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं। तो कोई अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग करनी है तो डेफिनेटली आईटी के ऊपर फोकस रखिएगा। फाइनेंशियल्स में कोई अभी हमारे पास खास बड़ी मूवमेंट नहीं आने वाली है, बट डेफिनेटली आईटी सेक्टर विल बी द लीडिंग सेक्टर फॉर कमिंग वीक ऑल्सो। सो ये रहेगा कमिंग वीक का निफ्टी का हमारा एनालिसिस। जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।